जंगल में शेर खान घूमता है, उसके हुर्राने की दहाड़ वो भी सुनता है। वक्त आ ही गया, आज रात चांद का रंग लाल होगा और हम सभी भेड़िये मिलकर आज चिल्लाएंगे। सभी? क्या इस साल हम भी शामिल होने वाले हैं अकेला? हाँ हाँ बाला, अब तुम भी बड़े हो गए हो, इस साल के समारोह में तुम भी हिस्सा ले सकते हो। और मैं अकेला? तुम पूछ भी क्यों रहे हो, तुम पूरे भेड़िये नहीं हो। मुंह बंद करो फियोना, मोगली भी इस झुंड का वैसे ही सदस्य है जैसे तुम हो। हाँ क्यों नहीं मोगली, तुम भी जरूर आ सकते हो, पर तुम्हें हमारी तरह चिल्लाने की कोशिश करनी होगी। अब टेंशन मत लो, मैं कर सकता हूँ। ओ रहने भी दो मोगली, ये तुम्हारे बस की बात नहीं है, और अगर तुम ये नहीं कर पाए तो रात के समारोह में नहीं आ सकते। देखना मैं ये करके ही रहूंगा, भेड़ियों की तरह चिल्लाना सीखकर मैं रात में मिलता हूँ। हम तुम्हारी मदद करेंगे। बेकार की कोशिश, ये मोगली भी कितनी आसानी से बहक जाता है। फाड़ू आवाज किसकी है? फिक्र मत करो, धीरे धीरे सीख जाऊंगा। हाँ हाँ क्यों नहीं मोगली। अगर इस बेसुरे ने चिल्लाना बंद नहीं किया तो इसे निगलना पड़ेगा। अब इसकी बोलती हमेशा के लिए बंद करनी पड़ेगी। मुझसे नहीं होगा, मैं जा रहा हूँ। रुको लाली, जाने दो उसे, उसे वक्त चाहिए। नहीं नहीं, तुम्हारे गले में कोई खराबी नहीं है। कुछ ना कुछ तो होगी बोलो। ठीक है, ये शहद खा लो, इससे गले की तकलीफ दूर हो जाएगी। बहुत हुआ, मैं ये नहीं कर सकता। अब मैं रात के समारोह में नहीं जा पाऊंगा। बात तो बिल्कुल सही है मोगली, अगर तुम गए और ठीक से चिल्ला नहीं पाए तो तुम्हें झुंड से निकाल दिया जाएगा। क्या कहा? जो सुना। मेरी मानो तो इसी वक्त जंगल छोड़ दो, वरना भेड़ियों की सभा में खुद की बेइज्जती के लिए तैयार हो जाओ। सही बात है, इसी में भलाई है। मेरा प्लान काम कर गया। ये पकड़ा, भेड़िये के बच्चे अपनी बेसुरी बींद बंद कर और मुझे सोने दे। बाला, लाली, मोगली को कहीं देखा? नहीं तो हमें लगा वो तुम्हारे साथ है। ओहो, यहाँ से भागकर न जाने वो कहाँ चला गया। रात के समारोह के लिए वो परेशान था। टेंशन मत लो बलू, हम उसे ढूंढ लेंगे। अब मेरा पीछा छोड़ दो शेर खान। क्या, तेरी हवा क्यों नहीं खिसकी? मैं तो इस जंगल से ही खिसक रहा हूँ हमेशा के लिए। ठीक है, अब तुम चैन से रहना। अरे नहीं पर खुरदार, चैन तो मुझे तब भी नहीं आएगा। एक बात सुनो बरखुरदार, एक बार फिर से धर पकड़ का खेल हो जाए मजा आ जाए। Yeah!
बच के जाने की सोचना भी मत इंसानी बच्चे। सोच नहीं रहा, जा रहा हूँ। अब बोलो क्या कहना है। इस शेर खान को कम मत समझ मरियम। शेर खान, उसकी दहाड़ का एक ही मतलब है, उसे मोगली मिल गया। शायद पीछे छूट गया। अरे नहीं, वो आ रहा है। ओ शुक्र है, तो तुम हो दोस्तों। तुम ऐसे कहाँ जा रहे थे मोगली? फियोना ने कहा अगर मैं तुम जैसा नहीं चिल्ला सकता तो मुझे झुंड से निकाल दिया जाएगा। क्या? ये तो झूठ है, क्योंकि इतनी सी बात के लिए किसी को झुंड से नहीं निकाला जाता। सच में? और नहीं तो क्या, फियोना ने तुमसे झूठ कहा। इसका मतलब मैं यहाँ रुक सकता हूँ। किस्मत खुल गई मेरी, एक के साथ दो फ्री का ऑफर मिल गया, आज तो डिस्काउंट लंच खाऊंगा। वो शायद दूर चला गया। इतना भी दूर नहीं हूँ। पकड़म पकड़ाई अच्छा खेल है, पर इसमें जीतता तो मैं ही हूँ। अभी फैसला नहीं हुआ, दोस्तों मेरे पीछे आओ। यह हम सुरक्षित है, इतने कम जगह से वो अंदर नहीं आ सकता। हाँ, पर अब हम बाहर नहीं जा सकते। मत भूलो कि ये पुराना किला है, मेरे पंजे से तोड़ सकते हैं। देखा? मदद की पुकार। ये आवाज उन तक नहीं पहुंचने वाली। यहाँ से निकलना होगा। रास्ता एक ही है, हमें छत से जाना होगा। पर इतनी ऊपर हम जाएंगे कैसे? तुम ऊपर जाओ और मदद बुलाओ मोगली। सोचो मोगली, जैसे तुम हो वो करो, इंसानों की तरह ही सोचो। ये तो मोगली है, वो मुसीबत में है। कैसे पता ये वही है? एक माँ अपने बच्चों की पुकार पहचानती है। सभी जल्दी मेरे पीछे आओ। अच्छा, तो पहले मुझे फ्री गिफ्ट खाने को मिलेंगे। उन्हें जाने दो शेर खान। तुम फिलहाल सौदा करने की हालत में नहीं हो बरखुरदार, कोई आखिरी इच्छा हो तो कहो। दफा हो जाओ और अपनी शक्ल कभी मत दिखाना। ये इच्छा पूरी नहीं होगी। बेकार कोशिश मत करो शेर खान, अब कुछ नहीं कर पाओगे। तुम वाकई एक सच्चे भेड़िये हो मोगली। नहीं, ये सच नहीं अकेला, मैं तो एक भेड़िये की तरह चिल्ला भी नहीं सकता, मैंने इसका इस्तेमाल किया था। पर मोगली, चिल्लाने से कोई भेड़िया साबित नहीं होता, भेड़िया साबित होता है जज्बे से, और हमें तुम्हारे अंदर वो जज्बा साफ नजर आता है मोगली। इसीलिए आज रात के समारोह में तुम जरूर हिस्सा लोगे। ओ,
देखा मोगली, उस फियोना की कोशिशों के बावजूद भी तुम हमारे साथ इस समारोह में आ ही गए। पर अपना फियोना है कहाँ? क्या फर्क पड़ता है? मुझे जाने दे काँ के बच्चे, वहाँ समारोह हो रहा है। जल्दी आओ मोगली, और तेज। ये क्या कर रहे हो मोगली? हिलना मत। शायद वो कहीं पीछे छूट गया बघीरा। मेरे पीछे बैठो, जल्दी मुझे कस के पकड़ना। बहुत मेहनत कर ली, थक गए होगे, अब मैं उसे खा के आता हूँ। मोगली, शेर खान ने सच में उसे खाने की बात कही? ऐसे मौके पे भी उसका दिल नहीं पिघला? अगर मैं वहाँ होता तो उस शेर खान को खाई में फेंक देता हूँ। रिक्की सही कह रहा है, मैंने कुछ भी नहीं किया। नहीं, गलती मेरी है, मैंने मोगली की हिफाजत की कसम खाई थी। मैंने नहीं, तुम्हारी गलती नहीं है, गलती उस शेर खान की है। आज हमने अपना खास दोस्त खोया है तो उस शेर खान की वजह से। बाल बाल बचा। इंसानी बच्चा? अरे नहीं, वो नहीं हो सकता। शेर खान ने कहा था कि वो जिंदा नहीं बचा। इसका मतलब वो उसका भूत है। अरे, ये तो लाली के रोने की आवाज है, पर वो रो क्यों रही है? ओ लाली, अब चुप हो जाओ, इससे मोगली वापस नहीं आने वाला। बाला सही कह रहा है लाली, मोगली जिंदा नहीं बचा। क्या? और हमें उसके बिना जीने की आदत डाल लेनी चाहिए। ये भी ना, पर अभी वो मुझे देखेंगे तो उन्हें बहुत अच्छा लगेगा। अरे नहीं, एक इंसानी बच्चे के लिए इतना गम? अरे लानत है तुम जैसे जंगली जानवरों पर। शेर खान, जो भी तुमने कहा उसके लिए तुम्हें माफी मांगनी चाहिए। कहा था ना, इंसानी बच्चे का नामो निशान मिटा दूंगा, जो मैंने कर दिया। अब समझ लो, इस जंगल में सिर्फ मेरा राज चलेगा। शेर खान, बचाओ, बचाओ। वो भूत बन गया, वो मेरे पीछे था। मोगली भूत बनकर वापस आया है। कहीं किस क्या बकवास कर रहा है तू? मैंने मोगली का भूत देखा, वो हमें डराने वापस आया है। बिल्कुल बकवास, मैंने उस इंसानी बच्चे को हमेशा के लिए खत्म किया है और इस बात के लिए मुझे जरा भी अफसोस नहीं है। मोगली का भूत? थोड़ा सा इंतजार करो शेर खान, मोगली का ये भूत तुम्हारा ऐसा हाल करेगा कि तुम सबसे माफी मांगते फिरोगे। यकीन करो शेर खान, मैंने कहा ना भूत आया है मोगली का। आज के जमाने में भी भूत की बात करता है? मत भूल के ये 21वीं सदी है टबा की। शेर खान, मैं तुमसे बदला लूंगा। ये वही है। कौन है वहाँ, सामने क्यों नहीं आता? तुम जानते हो मैं कौन हूँ शेर खान, तुमने ही तो मुझे मारा है।
इंसानी बच्चा, ये नहीं हो सकता। अब तो यकीन हुआ ना मुझ पर, कहा था ना वो भूत बन गया है। मोगली के भूत, प्लीज मुझे मत खाना, मैं तो नन्ना सा मुन्ना सा। चुप हो जा यहाँ से, मैंने कहा ना इस जंगल की दुनिया में कोई भूत जरूर होता है। शेर खान, तूने मेरे दोस्तों को दुख दिया है और इसकी सजा तुझे जरूर मिलेगी। तुम्हें सबसे अपने किए की माफी मांगनी होगी शेर खान। मोगली, तुम जिंदा हो? ओ, यकीन नहीं होता, मैं सबको बताती हूँ। नहीं ताजी, नहीं, मैं जिंदा नहीं हूँ। सच में? पर तुम तो मुझे अच्छे भले दिखते हो। नहीं, मैं मोगली का भूत हूँ और मैं इस वक्त किसी को डराने में बिजी हूँ, जाओ ना। ऐसी बात है, माफ करना, मैंने तुम्हें डिस्टर्ब किया, बाद में मिलते हैं मोगली के भूत। यकीनन ये सब उस बलू के बच्चे की चाल है। पक्का कह रहे हो? क्योंकि एक बार उस बुरी आत्मा ने तुम पर असर दिखाया तो तुम कहीं के नहीं रहोगे शेर खान। सही कह रहा है, मैं कभी पीछा नहीं छोड़ूंगा, तब तक नहीं छोड़ूंगा जब तक तुम माफी नहीं मांगते। तुम छुपे कहाँ हो, सामने क्यों नहीं आते? मैं यहाँ हूँ और यहाँ भी। कभी भला ना हो उस शेर का। बलू, तुम्हें ऐसे वक्त में भूख कैसे लग सकती है? मैं जब दुखी होता हूँ तो मुझे बहुत भूख लगती है। दोस्तों, पता है मैंने अभी किसे देखा? क्या हुआ, तुम ठीक तो हो? हाँ हाँ, बिल्कुल ठीक हूँ। पता है मैंने उसे देखा, मोगली को। क्या कह रही हो? वो मोगली नहीं, दूसरे मोगली को, उसके भूत को। तबाकी जैसी बातें मत करो डार्जी। डार्जी, मुझे बता सकती हो तुमने इस भूत को कहाँ देखा? हाँ हाँ, क्यों नहीं, मुझे बिल्कुल याद है। तो अभी इसी वक्त मुझे वहाँ ले चलो। ठीक है, जैसा तुम कहो भूत कहीं के, पर उसके बाद मुझे शांति से जीने देना। ठीक है, पर पहले तुम्हें सभी जानवरों से माफी मांगनी होगी। हाँ मांग लूंगा। तो किसका इंतजार कर रहे हो तुम? जाओ और माफी मांग लो। हाँ ठीक है, पर मैं सभी को वहाँ बुलाना चाहता हूँ जहाँ मैं मतलब तुम गिरे थे। ऐसा क्यों? शायद वही सबसे अच्छी जगह होगी। उन सबको खाई की दूसरी तरफ रहने को कहना और तुम मेरी तरफ से मेरी बेइज्जती का नजारा देखना, तभी तो तुम्हारी आत्मा को खुशी मिलेगी ना। उस घाटी में? पर वहाँ क्यों? मुझे क्या पता, शायद वहाँ से नजारे अच्छे दिखते हैं। इसके पीछे कोई चाल है? अरे नहीं शेर खान, इतना बुरा नहीं है, अब तुम भी इतना दिमाग मत दौड़ाओ। अच्छा ठीक है तबाकी, मैं सबको लेकर वहाँ पहुँचता हूँ। वैसे भूत की महक तो नहीं आती डार्जी, मतलब मोगली जिंदा है, वो यही था। हमें बलू को बताना होगा, चलो जल्दी। कहा बलू कहाँ है? तुम्हें नहीं पता, वो घाटी की तरफ गए हैं, शेर खान माफी मांग रहा है। पर तुम उसके साथ क्यों नहीं गए? मन नहीं किया। मैंने तुम सबको यहाँ एक खास वजह से बुलाया है, एक बहुत ही खास बात कहने के लिए। मैं तुम सबसे माफी मांगता हूँ कि मोगली अभी तक जिंदा है, पर बहुत जल्द उसका खेल खत्म हो जाएगा। अरे नहीं, भूत आया, मोगली का भूत। अरे छोड़, बेवकूफ, किधर पकड़ उसे, वो भूत नहीं है। बचा, रुक जा तबाकी। मोगली, हम कहाँ जा रहे हैं बघीरा? बोलो मत, कस के पकड़ो मोगली। कहाँ
किस्मत अच्छी थी, बच गया शेर खान। तुम्हारा शुक्रिया बघीरा, मुझे इस बार भी बचाने के लिए। मुझे तुम सबको पहले ही बता देना चाहिए था, माफ करना बलू। अच्छी खबर ये है कि तुम सुरक्षित हो मोगली। लाली, तुम्हें भी देखकर अच्छा लगा लाली। ये है जंगल बुक, यही है जंगल बुक, जंगल बुक, यही है जंगल बुक। बागीरा और बलू अपने कर्तव्य दिखाए। ये है जंगल बुक, यही है जंगल बुक, जंगल बुक, यही है जंगल।